छत्तीसगढ़ के तृतीय चरण के चुनाव 7 मई को संपन्न होने हैं। कलेक्टर एवं उजाला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे, खबर दिखाएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले GBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कुसुम ठाकुर। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के कुल 11 लोकसभा सीटों के चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ में पहले फेज में बस्तर तथा दूसरे फेज में राजनांदगांव, महासमुंद तथा कांगेर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी क्रम में अंबिकापुर सरगुजा के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोजकर ने मतदान संपन्न कराने हेतु मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों के अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को विश्व की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की मतदान के महापर्व को संपन्न करने की जिम्मेदारी को निर्भीक, निष्पक्ष एवं संयमित होकर पूरा करें। अभी के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN24 न्यूज।